अब कृष्णन साहू सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। कृष्णन जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल अविनाश जी से। सर मेरा पास छोटा आइडिया है, 16 रुपया कितना भाव दी, 2 हजार, 2 हजार वोड आइडिया है कितने रुपए के भाव पर? 16 रुपये सोलह। जी सर। ऑल राइट सर, ठीक है सर। और कितना नजरिया, कितना कब तक का आप चाह रहे हैं? 1 साल का नजरिया। 1 साल का, ठीक है सर। अविनाश जी नजरिया तो इनके पास है, अभी टाइम पेशेंस भी है, लेकिन 1 साल में आपको क्या एक्शन दिख रहा है इस स्टॉक पर? देखिए दीपक जी, वोडाफोन एक ऐसी कंपनी है जिसने 11 रुपए में एफपीओ किया था, बाद में शेयर 17-18 रुपए तक गया। अभी हाल ही में एजीआर ड्यूज को लेके वापस कोई नेगेटिव खबर आई तो स्टॉक में आपको भारी गिरावट देखने को मिली। फंडामेंटली देखिए, इस कंपनी को ऊपर जाने के लिए समय लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का घाटा ये हर क्वार्टर में कर रहे हैं, इनके कस्टमर्स भी कम हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है, तो मेरे ख्याल से 14-15 का अगर रेट इनको मिलता है, और जो हो सकता है कि अगले 6-12 महीने में आपको मिले, तभी मुनाफा वसूल जरूर करें, क्योंकि आगे का जो रोड मैप है ये इनके लिए काफी दिक्कत भरा है, क्योंकि 5G के लिए अभी भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है और कंपनी लॉस मेकिंग है। तो मैं यही कहूंगा कि 6 to 12 मंथ में कोई भी उछाल अगर आता है तो इसमें निकलने की कोशिश करिए, और कोई दूसरा शेयर ले लीजिए जहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा रहे। चलिए, तो अगले 1 साल के दौरान आपको जब भी लगे कि आपके लेवल्स पर आ चुका है या थोड़ा प्रॉफिट आपका आ चुका है, तो उस समय आप एग्जिट ले सकते हैं और फिर इम्प्रोवाइज करके अपने पोर्टफोलियो को दूसरे स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। ये है आपके लिए सलाह वोडाफोन आइडिया पर। अजय त्रिपाठी साहब इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं।